एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फिट एंड साउंड बीइंग एट योर होम। प्लीज़ डू फॉलो ऑल दी मेजर प्रिकॉशंस टू डिफीट दिस कोरोना पैंडमिक। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी न्यू चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री पोर्शन। हेयर यू कैन ऑब्जर्व योर फर्स्ट पेज और यू कैन से द कवर ऑफ योर बुक, दैट इज़ ऑफ सोशल साइंस। So students, the name of the chapter is Expansion of British Power in India. Okay students, this is very interesting chapter. This is your second chapter of your history portion, in which we will learn about arrival and expansion of British power in India. कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया आए और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी कंपनीज बना ली, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और हम सबको कैसे पीछे छोड़ते गए। ईस्ट इंडिया कंपनीज, देयर आर सम ईस्ट इंडिया कंपनीज हु रीच्ड इंडिया एंड ट्रेड विद अदर कंट्रीज। बहुत सारी जो ब्रिटिशर्स कंपनी थी वो इंडिया आई और उन्होंने हमारा जो भी रॉ मटेरियल था उस सबको ख़रीद के अपने नाम पर अपनी कंपनीज बनाना स्टार्ट किया और ट्रेड करने में बहुत ही सक्सेसफुल हुए। फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1628, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। ओके, आप चाहें तो ये सारी डेट्स और कंपनीज के नेम राइट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व रिवलरी फॉर ट्रेड इन टी एंड टेक्सटाइल्स। किस तरीके से हर व्यक्ति या जो भी ब्रिटिशर्स थे, फॉरेनर्स थे, वो सभी देखते रहे, यानी कि सबकी नज़र इंडिया पे ही थी। वहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ पॉसिबल है, तो क्यों ना हम जाकर वहीं अपना ट्रेडिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करें, है ना। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व ऑल द पिक्चर्स। ओके, कैसे क्या पिक्चर्स में हो रहा है वो पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट वी विल लर्न। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दैट यू आर सीइंग राइट नाउ ओवर योर स्क्रीन। के आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का लाइफ स्टाइल देख सकते हैं आप, उनका जो एनिमल्स के हेल्प से उनका जाना आना, मीन्स देयर वर नो एनी व्हीकल्स दैट टाइम। ओके, इंडियंस के पास कोई भी व्हीकल नहीं थे तब। हम सब केवल डिपेंडेंट थे हमारे क्रॉप यील्डिंग पे या फिर फार्मिंग पे, इन सारी चीज़ों पर, जबकि तभी आकर जो फॉरेनर्स थे उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया। दिस इज़ द लोगो ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, दिस वन, ईस्ट इंडिया कंपनी EICO 1814। ये भी आप लर्न कर सकते हैं। This is the picture that you can observe. This is the revolution, or you can say the war that is happening right now. Okay. आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले के लोगों ने स्ट्रगल किया है, तब जाके आज हम फ्री हैं। आज हम फ्री इवन ब्रीथ कर सकते हैं, जो कि पहले टाइम पॉसिबल नहीं थी। ये देखिए आप, गन्स वगैरह सारा कुछ हमारे पास, केवल स्वॉर्ड्स वगैरह जो हैंडमेड वेपन्स हुआ करते थे और उनके पास गन्स हुआ करती थी। द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी कि ब्रिटिश पावर कैसे कैसे बढ़ती गई, कैसे कैसे उनको इंटरेस्ट आया हमारे इंडिया के साथ ट्रेड करने में। फिर जो और भी कंट्रीज थी उन्होंने भी विजिट किया, इवन अपना ट्रेड सेंटर है वो भी इस्टेब्लिश किया हमारे इंडिया में। You have read in previous classes that since ancient times India was an important trading center. प्राचीन काल में सबसे important trading center हमारा इंडिया ही था। Merchants and traders from Europe and Asia came to India regularly. बहुत सारे जो traders थे, व्यापारी थे यूरोप और एशिया से, वो regular इंडिया आते रहते थे। The frequency of trade increased in the middle period. लेकिन जो ट्रेड की फ्रीक्वेंसी थी, रफ्तार थी, वो कब बढ़ी? मिडविल पीरियड में, ना ज़्यादा एंशियंट ना ज़्यादा मॉडर्न। द इंडियन रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड दिस ट्रेड एज इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम। इंडियंस के लिए ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल था, इसलिए वो इस ट्रेड को क्या करते रहे?
सपोर्ट करते रहे। ट्रेड टिल द अर्ली 17th सेंचुरी वॉज कैरीड ऑन बाय इंडिविजुअल मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स एज दे डिड नॉट ऑलवेज हैव द बैकिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ट्रेड लगातार 17th सेंचुरी में चलता रहा। इन कोर्स ऑफ टाइम दिस चेंज्ड। तो उन्होंने इंडिया में ही मतलब आना जाना पहले उनका लगातार लगा रहा, लेकिन फिर ये सब चेंज हो गया था। द यूरोपियन कंट्रीज़ बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद द ईस्ट। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, ईस्ट कंट्रीज़ जो थी उनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपना एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स इन 1600 के टाइम में उन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया। क्वीन एलिजाबेथ आई गेव इट अ चार्टर विच ग्रांटेड द कंपनी द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था, राइट दिया था, ग्रांट की थी परमिशन ईस्ट के साथ ट्रेड करने की। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड कम्प्लीट विद द कंपनी। यानी कि कोई भी इंग्लैंड की अदर कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, फिर बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज ने हमारे यहाँ अराइव किया और कैसे कैसे अपने कंपनीज को सेटल किया, लेट अस स्टडी। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क बिगेन टू सेटअप देयर बेस इन इंडिया। फिर सभी ने धीरे धीरे अपना बेस सेटअप करना शुरू किया इंडिया में ही। दे एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग शहरों में उन्होंने अपने जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनको इस्टेब्लिश किया, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज़। कोस्टल एरियाज़ पे बनाया क्योंकि वहाँ पर कोस्टल एरिया क्या होता है, जहाँ आसपास पानी हो, किनारे पानी हो, जिससे कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो सके। दीज सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज। और इन ट्रेडिंग सेंटर्स को क्या नाम दिया, फैक्ट्रीज। नॉट बिकॉज एनीथिंग वॉज मैन्युफैक्चर्ड देयर बट बिकॉज द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनीज वर कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्ट्रीज़ का नाम इसलिए उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे कुछ बनता था, जबकि इसलिए दिया कि कंपनी, एक कंपनी के वो क्या थे, ब्रांचेस थे, यानी कि फैक्टर थे, ठीक है ना, इसलिए फैक्ट्रीज़ दिया। दीज फैक्ट्रीज़ कंसिस्टेड ऑफ ऑफिसेस एंड गोडाउंस। उन फैक्ट्रीज़ में ऑफिसेस भी थे, गोडाउंस भी थे। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो हैड द हाउसेज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हु केम फॉर ट्रेड। बहुत सारे व्यापारियों को वहाँ पे रहने के लिए क्वार्टर्स भी अवेलेबल कराए गए थे। ओवर टाइम सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड, यानी कि बहुत टाइम बाद, एक समय बाद उनके जो बहुत सारे फैक्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, वो फोर्टिफाइड नष्ट हो चुकी थी। व्हाई डिड द कंपनी प्रिफर द कॉस्ट टू सेटअप देयर ट्रेडिंग सेंटर, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन कि जो भी ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो सेंटर्स या कोस्टल एरियाज पर ही क्यों बसती हैं, प्रेफर द कोस्ट, ठीक है, ओके। इसका आंसर आपको लिखकर मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। ऑन कंप्लीटिंग द आंसर ऑफ सेम क्वेश्चन यू ऑल हैव टू सेंड इट ऑन माय पर्सनल नंबर। सो देयर इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड रिवलरी। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज वाइन फॉर गुड्स सच एज स्पाइसेस, पेपर, क्लोव, कार्डमम, सिनेमन, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, सेलपेटर एंड सो ऑन लेड टू इंटेंस रिवलरी अमंग देम। यानी कि फिर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे क्योंकि सभी लोग वही डिमांड करते थे जो चीज़ उस समय ट्रेंड में थी, ट्रेंडिंग थी, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम वॉन्टेड टू बाय दीज गुड्स एट लो प्राइजेज, और सभी लोग इन चीज़ों को लो प्राइस पर खरीदना चाहते थे और एट हाई रेट उसको बेचना चाहते थे। इंडिया में वो चीज़ वो सस्ती खरीदना चाहते थे और बाहर उसको बहुत महंगा बेचना चाहते थे, पर्टिकुलरली इन यूरोप। यूरोप के लोग ज़्यादातर ऐसा करना चाहते थे। सिंस प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड वर ह्यूज, ईच यूरोपियन कंट्री वाइड फॉर अ ग्रेटर शेयर ऑफ दिस ट्रेड। जैसे ही उनका जो प्रॉफिट था वो बढ़ने लगा, कोई भी हो, हम अगर छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर फ़ायदा होता है तो हम बिज़नेस में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं, साथ ही साथ फिर हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो सेम यूरोपियंस भी
यही कर रहे थे। हाउएवर द क्वांटम ऑफ ट्रेड वॉज नॉट सफिशियंट टू सस्टेन ऑल द कंपनीज, लिटिल बाय लिटिल द प्रॉफिट्स अर्न बाय देम बिगिन टू श्रिंक। और जैसे जैसे उनको जो फ़ायदा हो रहा था वो धीरे धीरे घटने लगा। द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉफिट वॉज बाय एलिमिनेटिंग कंपटीटर्स एंड इंश्योरिंग अ ट्रेड मोनोपोली। यानी कि अगर हम किसी दूसरे को, मान लीजिए हमने भी एक शॉप खोली है और हमारे साथ भी किसी ने एक शॉप खोल ली है हमारे बगल में ही, तो क्या होगा, जो भी कस्टमर्स हैं वो तो डिवाइड हो ही जाएंगे, आधे आपके पास आएंगे आधे दूसरे के पास जाएंगे। तो इससे क्या होता है, या तो वो दुकान ख़त्म हो जानी चाहिए या उस जो हमारी शॉप पे मिलता है वो उसका उसकी शॉप पे नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो यूरोपियन ने क्या सोचा कि मैं बाकी सबको यहाँ से निकाल देता हूँ या हटा ही देता हूँ, उनका मार्केटिंग ही ख़त्म कर देता हूँ। द कंपनीज विच हैड द सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट सेट आउट टू डू जस्ट दैट। दे बिल्ट देयर ओन आर्मीज एंड वर नॉट एवर्स टू यूजिंग फोर्स टू अचीव देयर गोल्स। इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्तुगीज, द डच एंड द डेन्स वर ऑस्टेड फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच बिकेम द की प्लेयर्स डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप का सबसे बेस्ट जो ट्रेड चल रहा था, जो और भी कंट्रीज़ थी वो भी इस चीज़ को देखकर समझ रही थी कि मुझे यूरोपियंस को कैसे भी हटाना है, और यूरोपियन सोच रहे थे जो बाकी की कंट्रीज़ इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं मुझे उनको हटाना है तो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले पाऊँगा या हम लोग ले पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको रिवाइज़ करना है और आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रेडिंग कंपनीज हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं। दीज ऑल हैव यू हैव टू नोट डाउन योर फेयर नोटबुक एंड रिवाइज देम। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट पोर्शन ऑफ सेम चैप्टर। फॉर नेक्स्ट पोर्शंस वी कीप वॉचिंग द वीडियोज। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल नॉट मिस एनी वीडियोज़ फ्रॉम माई साइड। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।